YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SSC मेंस का स्ट्रेटजी, राइट, कि किस तरीके से आपको इंग्लिश प्रिपेयर करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि 200 मार्क्स का इंग्लिश रहता है इसमें, SSC मेंस की बात करें तो, राइट। तो हमें देखना है कि किस तरीके से हमें इससे इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है, किस तरह से मॉक टेस्ट लगाने हैं इसके, ठीक है गाइस। जैसे कि आपको पता है SSC टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है, एंड फिलहाल अभी कल ही इसका 7 जुलाई को इसका मार्क्स भी आउट कर दिया गया है। उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो एक अपलोड करा है कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट मार्क्स अपने देख सकते हो, राइट। तो अगर आपके मार्क्स कुछ कम है रादर देन दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरों से आपके कम है, तो आपको डोंट लूज होप, आपको होप लूज नहीं करना है गाइस, बिकॉज हमें इस टाइम पे मेंस पे फोकस करना है। एज यू नो कि अक्टूबर में हमारा मेंस का एग्जाम होएगा, तो हमारे पास अभी टाइम है। इस टाइम को हम यूटिलाइज करके हम रिवीजन कर सकते हैं फुल सिलेबस की, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर हम मॉक्स लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि कितने मार्क्स का इंग्लिश रहता है मेंस में, ठीक है। इंग्लिश 200 मार्क्स का रहता है, 200 मार्क्स का इंग्लिश बनेगा यहाँ पे। तो हमें किस तरीके से, किस एंगल से हमें इसको प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ग्रैम, आप देखो तो इंग्लिश को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, ग्रामर प्लस वोकैब, 2 सेक्शन में दे देते हैं। ग्रामर से कितने क्वेश्चन का आता है, वोकैब से कितने क्वेश्चन का आता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो सिनोनिम्स की बात करो या एंटोनिम्स, ठीक है, इनका रेशियो क्या रहता है, इनका रेशियो 10 तक रह जाता है, क्लियर। 10 तक, मैक्सिमम 10 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 सिनोनिम आ सकते हैं, 5 एंटोनिम्स आ सकते हैं। समटाइम हो जाता है 8 to 10 का रेशियो रह जाता है ना, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक एक नंबर का शफल होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा शफलिंग नहीं होती है, राइट। सिनोनिम एंटोनिम की अगर बात करें तो ये 10 नंबर के आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इडियम फ्रेजेस की, इडियम फ्रेजेस की अगर बात करो तो ये गाइस 10 नंबर का ये रहेगा, 10 मार्क्स के इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे। एंड नेक्स्ट अगर बात करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सेम वही 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आप बात करो मिस स्पेल के क्वेश्चन बन जाते हैं सेम वही 5 मार्क्स तक चले जाते हैं मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम बता दी, इतने तक पूछे जा सकते हैं, बाकी कई बार होता है कि 1-2 नंबर का शफल होता रहता है कि कई बार वो और किसी सेक्शन में 1-2 नंबर ज्यादा दे देते हैं, इसमें कम कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बट इतना ही रहता है मैक्सिमम, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर फिलर्स की बात करें जो वोकैब बेस्ड रहेंगे वो भी आपके 5 मार्क्स का आ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये सारा वोकैब बेस्ड सारा जो भी पोर्शन है आपका कितने मार्क्स का बन रहा है, देख लो 10, 20, 30 and 40 मार्क्स का यहाँ पे बन सकता है, 42-45 तक भी जा सकते हैं, समटाइम 45 तक भी जा सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको मैक्सिमम अपना वोकैबुलरी का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाता है 30 मार्क्स का, इसमें 10-10 नंबर के आ जाए या 15 नंबर के दो दे दें, कुछ भी शफल हो सकता है, बट मार्क्स इतने रहते हैं, 30 मार्क्स ही रहेंगे इसमें, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन के बाद क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट जाएगा 25 मार्क्स का, 5-5 के 5 हो सकते हैं, ठीक है, या 10 नंबर के पूछे जा सकते हैं, शफल करके दे देंगे तो वो बात अलग है, अदरवाइज 25 मार्क्स का तो आपका डन है कि 25 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करो आप ग्रामर पोर्शन की, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करो आप। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर पोर्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, नेक्स्ट अगर आप बात करो एरर्स की, तो एरर्स हमारे सारे पूरी ग्रामर में से पार्ट ऑफ स्पीच में से एरर्स बनते ही बनते हैं, तो 20 एरर्स आपके आपसे पूछे जाते हैं, 20 टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट बनता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी सेम वही 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, राइट, 20 मार्क्स के। उसके बाद आप बात करो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी 20 मार्क्स का रहता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे जो बात करेंगे हम एक्टिव पैसिव, यानी कि एक्टिव पैसिव मतलब वॉइस, वॉइस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स का बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर बात करो आप नरेशन की, नरेशन के भी सेम यहाँ पे 20 मार्क्स रहते हैं। कई बार क्या होता है इसके टोटल मिला के यहाँ पे 5 और ऐड कर दिए जाते हैं, टोटल अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें से 45 मार्क्स तक का आपसे पूछा जा सकता है, 45 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन है, ठीक है। 20-20 के तो डेफिनेटली रहते हैं, कई बार इसके 22 हो जाते हैं, इसके 23 हो जाते हैं शफल होके, 45 मार्क्स का यहाँ पे बन सकता है आपका क्राइटेरिया। तो हमने पहले जो गैप बेस्ड नॉनिम एंटोनिम करा था उसका देखा हमने कितने मार्क्स का हमारा इंग्लिश बन गया वहां पे, 40-45 का वहां पे बन चुका है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का, ठीक है, एंड 20 मार्क्स, 50, 70 एंड 90 एंड यहाँ पे कितने बन गए 110, है ना। ऐसे करके आप जब टोटल करोगे इनका तो डेफिनेटली आपका अराउंड ये 200 मार्क्स का बन जाएगा। 200 मार्क्स का तो आएगा ही, बस किसी एक पार्ट में हो जाता है कि किसी एक पार्ट में ले देके चेंज कर देते हैं, एक क्वेश्चन इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया तो चेंज हो सकता है, अदरवाइज कोई चेंज का कोई लगता नहीं है कि कोई चांसेस है। ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स का पेपर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने बात करी कॉम्प्रिहेंशन की, क्लोज टेस्ट की, ठीक है। नेक्स्ट वन हम एरर्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करी हमने, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करी हमने, एरर्स की डिस्कशन होगी हमारी, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन की बात होगी, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस के एग्जाम में, राइट। इतना क्लियर है। अब गाइस आपको किस तरह से अपना प्लान करना है, तो मैं अगर आपको बोलूं, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग या आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लो तो कॉम्प्रिहेंशन में से ही वो एक लाइन उठा के इसमें से क्या दे देगा आपको, एरर्स बना के दे दे, एरर्स बना के दे देगा, इसी में ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन के आ जाएगा। तो हमें फोकस किस पे करना है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होएगा तो सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इडियम सब ज्यादा से ज्यादा जितने रिवाइज करते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि आपको किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश का लेवल मॉडरेट रहता है, राइट, सभी चीजों में। इसमें आप करो रिवीजन, आपके पास जितना टाइम है अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, पहले नंबर पे आप रिवीजन करो, रिवीजन सारे टॉपिक्स की। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं आप करो प्रैक्टिस, थर्ड नंबर पे अगर बात करें आपको क्या लगाने की जरूरत है, मॉक्स लगाने की जरूरत है, मॉक्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। आपने जब रिवीजन कर दी, रिवीजन ऑफ सिलेबस, सारे सिलेबस का आप रिवीजन करो, मैक्सिमम कितने दिन आपको चाहिए इसकी रिवीजन करने के लिए, सारे ग्रामर के टॉपिक और जितना आपने अब तक प्री के लिए तो आपने प्रिपेयर करा ही होगा ना, तो इसलिए आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो अगर आप रिवीजन की बात करो, सारे सिलेबस की रिवीजन के लिए आपको 10 से 15 दिन लगे, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। जब आप प्रैक्टिस करते हो, सपोज करो आपने 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, 50 क्वेश्चंस में से आप टिक कर लो, हाईलाइट कर लो। सपोज करो आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आप उनको क्या करो, सर्कल करके उनको स्टार दे दो, हाईलाइट कर लो उनको। क्यों, वापिस जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, सेकंड टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस देखने पड़े, ना कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन रिवाइज करने पड़े, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी आपको, सिर्फ आपको 4-5 प्रॉब्लम्स में मेन निकाल लेनी है। अभी ये वाली मेरी प्रॉब्लम्स थी, इनको मैंने गो थ्रू हो लिया, मेरा ओके। अब चलो नेक्स्ट वन, अगर बात करो मॉक्स की, तो मैं आई गाइस की दूसरे सब्जेक्ट भी आपको प्रिपेयर करने थे, लाइक मैथ्स वगैरह जो भी करना है, आप अल्टरनेट डेज पे एक दिन आप मैथ्स का लगा लो मॉक, एक दिन आप इंग्लिश का लगा लो, राइट। अल्टरनेट डेज पे आप क्या करो, एक दिन मैथ्स का दूसरे सब्जेक्ट का लगा दो, एक दिन इंग्लिश का मॉक लगा दो। I'll suggest this thing, कि रूटीन में मत लगाओ, बट हाँ आप क्या करो, संडे को अपने प्लान में फिक्स कर लो कि आपने जितने मॉक लगाए हैं, जितने आपके मॉक्स लग गए उनको सबको गो थ्रू हो जाने, जितने आपने मॉक्स लगा दिए। और संडे का मॉक तो आप 2 मॉक्स लगा लो, वो भी आपके बेस्ट है, राइट। यहाँ पे ये क्राइटेरिया कर सकते हो आप। उसके बाद प्रीवियस ईयर
प्रीवियस ईयर्स के आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स के कितने आपको आप उठा लो, 2016, 2017, 2018 तक के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सारे सॉल्व कर दो, सॉल्व ऑल दोस पेपर, सारे पेपर्स को सॉल्व कर दो, राइट। सारे पेपर सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली गो थ्रू हो जाओगे, आपको आपको पता चल जाएगा, एंड मॉक्स लगाने से तो आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी, आपको पेपर क्लियर करने के लिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीजों की जरूरत है ना, स्पीड भी चाहिए आपको, एक्यूरेसी भी चाहिए, दोनों थिंग्स की जरूरत है। सो अगर आप रिविजन प्रैक्टिस एंड मॉक्स लगाते रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों, जब आप मॉक्स लगाते हो, जब आप मॉक्स लगाते हो तो उसमें कोई इजी लेवल का रहेगा, कोई मॉडरेट लेवल का आएगा, एंड कोई उसमें डिफिकल्ट लेवल का आएगा, सभी तरह के हो जाएंगे आपके मॉक्स, ठीक है। जब आप मॉक लगा लोगे तो एग्जाम में किसी तरह का भी पूछा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप हो जाएगा, चाहे उसमें थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, चाहे कोई इजी लेवल आ जाए। उसके बाद अगर बात करें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे डील करना है, एग्जाम में आप एक स्ट्रेटजी बना लो गाइस, कि कभी भी ऐसे नहीं है कि रैंडमली आप क्वेश्चन करना शुरू करो, आप अपनी ओर से चूज करा करो क्वेश्चन को, कि मुझे पहले कौन से क्वेश्चन चूज करने हैं जो सबसे कम टाइम ले रहे हैं, मुझे पहले वो कर देने हैं, उसके बाद हम जाओ मॉडरेट लेवल पे, एंड पे सॉल्व करो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, सपोज आप कॉम्प्रिहेंशन में उलझ गए या क्लोज टेस्ट में उलझे रहे तो हमारे दूसरे मार्क्स का पेपर रह जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है कि जो क्वेश्चन आता है तो उसको फटाफट से करके साइड पे लगाओ, देन नेक्स्ट पे जाओ। डिफिकल्ट कई बार करने लगते हैं तो हम वैसे ही थोड़ा सा परप्लेक्सिंग हो जाते हैं, थोड़ा परप्लेक्सिंग होए नहीं कि हमारे पेपर का सिस्टम बिगड़ा नहीं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और हमारे पेड कोर्सेज स्टार्ट हैं, हमारे पेड कोर्सेज में हम फुल ऑन आपको इंग्लिश ग्रामर प्रोवाइड करेंगे, फुल कोर्स है आपका 6 मंथ्स का, हालांकि अक्टूबर तक आपका टारगेट है, बट उसमें आप 6 मंथ्स के लिए एनरोलमेंट ले सकते हो अपना खुद का, और हमारा मेन टारगेट जा रहा है कि हम अक्टूबर तक आपको एकदम से सारे का सारा सिलेबस, मैक्सिमम सिनोनिम एंड टोनिम, वन वर्ड इडियम्स एंड ग्रामर के सारे टॉपिक्स, एरर्स जो भी है सब आपको कंप्लीट करवा दें, मैक्सिमम वोकैब का पोर्शन भी हम कवर करवा रहे हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग और वीडियोस के साथ। हाँ जी, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, एंड बेल बटन को प्रेस जरूर कर लो, सो दैट आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।